डॉल्फिन 16 मशीन कंपनी न्यू 2019 मॉडल डिजिटल काउंटिंग सिस्टम को सेटिंग कैसे करें। ये सेटिंग करने के लिए हम वीडियो उतार बता रही आपको कि ये डिजिटल काउंटिंग मशीन है, इसको आपको सेटिंग कैसे करना है। सबसे पहले इसमें देखो नंबर दिए गए हैं, ये 8 फ्लेवर का काउंटिंग है जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच, और अभी अपने इसमें 6 वाल लगे, 6+2 मशीन है। यहाँ से स्टार्ट होएगा नंबर ए बी सी डी ई एफ। अभी सबसे पहले अपने ये एफ का सेटिंग आपको एक वाल का सेटिंग करके बताएंगे कि इसको सेटिंग कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे एफ करके लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अपने एफ में से अभी ग्लास निकालेंगे छोड़ा। यहाँ पे एफ 13 दिख रहा है आपको, ई बी 13 है, एफ भी 13 है। आप एफ के ऊपर देखिए, वहाँ 13 दिखा हुआ है। ये एफ 14 आ गया अपना, 14, और ग्लास भरा है, कितना भरा है आप देख सकते हैं। ये 300 ml समथिंग ग्लास भरा हुआ है, 300 ml। अभी एफ को अपने 300 की जगह अपने अभी ज्यादा भरना है इसको, तो कैसे ज्यादा भरे अपने? इसमें मेनू में जाने का, सबसे पहले यहाँ पे मेनू का बटन है, वहां पे जाएंगे, इसलिए रेंज में एंटर होने का, नीचे एंटर का बटन दिखा है, देख लिया आप, एंटर का बटन है, एंटर दबाना है आपको। एंटर जाएंगे इसलिए सब मेनू आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अभी यहाँ से अपने एफ के ऊपर जाना है, जो अपने सेट करना है, जो फ्लेवर को, जैसे ए को करना है तो ए के अंदर जाएंगे। सबसे पहले अपने एफ पे जाना है, तो यहाँ एरो है, एरो से अपने डाउन जाएंगे। ये देखो धीरे धीरे डाउन जा रहा है, ये भी अपने एफ के ऊपर आ गए। एंटर गए, यहाँ पे अभी उसको सेटिंग करना है। अभी ये 6400 है, अभी अपने इसको बढ़ाना है, क्वांटिटी बढ़ाना है इसको, तो अपने प्लस करेंगे इसको। ये 6500 से अपने इसको 7000 कर देते हैं, 7000 हो गया। और थोड़ी से देर के लिए सेट होने के बाद थोड़ी सेकंड के लिए इसको दबाए रखना है एंटर को। यहाँ पे आ जाएगा यू हैव डाउन सक्सेसफुल हो गई अपने इसको। अभी अपने फिर से ग्लास निकालेंगे, पहले 300 ml था, अभी देखते हैं कितना निकलता है इसमें। अभी आप देख सकते हो 300 के ऊपर आ गया, जो ब्लैक लाइन है उससे ऊपर आ गया ग्लास, 350 समथिंग हो गया, बराबर है। अभी इतने इसमें अपने डाउन करेंगे, अभी इसमें अपने ग्लास कम क्वांटिटी कम करना है। ये भी 350 ml कंटिन्यू निकलेगा इसके अंदर से, आप जितना भी निकाले। अभी इसको सेट करने के लिए वापस डाउन करेंगे, अभी अपने वापस दोबारा समझाएंगे आपको। यहाँ से मेनू में जाना है आपको, मेनू में रेंज में फर्स्ट में जाके एंटर होना है। एंटर में अपने को जो भी फंक्शन का सेट करना है उसको अपने अभी एफ को सेट करें, तो एफ को सेट करना है, उसमें एंटर होना है अपने। अपने 7000 की जगह अपने सीधा अभी चले आएंगे 6000 पे। ये 6000 हो गया, देख सकते हैं पूरा। अभी इसको अपने एंटर दबाएंगे, थोड़ी देर के लिए एंटर दबाए रखना है, इसलिए सक्सेसफुल हो जाएगा ये। ये सक्सेसफुल हो गया, अभी अपने फिर से एक ग्लास निकालेंगे इसमें से। पहले 350 ml था, अभी देखते हैं। अभी ये 300 के भी अंदर चला गया, आप देख सकते हैं 300 के भी डाउन चला गया है। तो आप इस हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, जैसे भी सेट करना है सेट कर सकते हो। कस्टमर को बताना है कि कितना कौन सा ग्लास कितना निकला है, वो देखने के लिए आपको यहाँ पे टोटल का बटन दबाया गया है। टोटल के बटन पे क्लिक करके आपको बताएंगे कि 200 ml का कितना ग्लास है, 250 का कितना है, 300 ml का कितना ग्लास है, वो सब इसके अंदर शो करता है, आप देख सकते हो। तो ये वीडियो आपके आपके काम की है, क्योंकि इसमें पूरा सेटिंग हमने करके दिया है, इसलिए आपको ये बहुत जरूरी वीडियो है। कभी भी आप ये वीडियो देख के इसका सेट कर सकते हो, सेटिंग आराम से इजीली कर सकते हो इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।